मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा कंगना रनौत आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कि कंगना रनौत ने पहले तो मीडिया को धन्यवाद का और बाद में कुछ पत्रकारों को दीमक का नाम दिया और कंगना रनौत ने बहुत से उपशब्द बोलने शुरू कर दिए। कंगना रनौत ने मीडिया को बिकाऊ बोला और कहा कि मीडिया 50-50 रुपए में बिकती है। कंगना ने ये भी कहा कि तुम जैसे जर्नलिस्ट की चलती होती तो मैं टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ना होती। आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है, जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके स्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है, आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार है वो ओपनली सबके सामने रखते हैं, और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सज़ा है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो खुद को लिबरल कहती है, सिक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग सूडो लिबरल हैं और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं एक दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसके उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज़ हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज़ हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के खिलाफ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अंगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अंगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क, समीक्षा या विचार, जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो है खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हो? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन 3-4 लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं? मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई धारणा ही है। तो उस गिल्ड के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने जमाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले।
और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन इस देश के जो युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने इन लोगों का बहिष्कार किया है, और जब मणिकर्णिका का फिल्म भी आई थी और मूवी माफिया उसके अगेंस्ट पूरी गैंग अप हो गई थी, तो इन बच्चों ने इतने अच्छे तरह से हर दिन वी स्टैंड विद मणिकर्णिका ट्रेंड किया, उस फिल्म को बहुत सफल बनाया, फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। और इस चीज़ से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर। आप लोगों के लिए जो हो पाएगा उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत आइए हम आपको बताते हैं कि मामला क्या था। मामला तब का है जब कंगना रनौत अपने फिल्म जजमेंटल है क्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी। तब कंगना रनौत से एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा। कंगना रनौत ने जर्नलिस्ट का नाम पूछा, तो जैसे ही जर्नलिस्ट ने अपना नाम बताया जस्टिन राव, कंगना रनौत ने उस पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी और ये तक भी बोल दिया कि तुम इतना गंदा लिखते कैसे हो और तुम्हें इसको तुम इसे सोच भी कैसे लेते हो। इसके चलते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कंगना रनौत को बैन करने का नोटिस भेज दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला। जस्टिन तुम तो हमारा दुश्मन बन गया यार, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिख रहे हो। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? No, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Like what? As you mentioned. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on a... You are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Is Kangna, it my mistake to make Kangna, a film on... Kangna, if I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So... I will send you. And I respect... Yeah, I, of course. I, you I have don't know. Been, this is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can Sorry. We have the... No, buddy, of course. No, because I can start it. You Sorry. Are eating... Yeah. एक सेकेंड, आप चिल्लाना बंद कीजिए, आप चिल्लाना बंद कीजिए, आप कीजिए, लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड, ब्रो, देयर इज अ रीजन आई एम हियर, चिल करेंगे आप? कैन वी प्लीज चिल? नहीं, संजय ओके प्लीज कैन वी ओके प्लीज ओके ओके प्लीज ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।